हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन इसका उल्टा पैटर्न प्रिंट करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 ब्लैंक स्पेस, 1 2 3 फिर ब्लैंक स्पेस, 1 2 फिर ब्लैंक स्पेस। यानी फर्स्ट लाइन में 0 ब्लैंक स्पेस, 4 स्टार। सेकंड लाइन में 1 ब्लैंक स्टे, 3 स्टार। थर्ड लाइन में 2 ब्लैंक स्टे, 2 स्टार। लास्ट लाइन में 1 ब्लैंक से 3 स्टार। यानी जितनी लाइन है उससे एक कम ब्लैंक और 1 स्टार होगा लास्ट लाइन में, और सारे होंगे फर्स्ट लाइन में। तो अपन फर्स्ट लाइन में 0 ब्लैंक, सेकंड लाइन में 1, थर्ड लाइन में 2, फोर्थ लाइन में 3, और बाकी जितने नंबर ऑफ लाइन होते अपन को प्रिंट करने हैं। तो नंबर ऑफ रोज आई और जे की वैल्यू 1 ले ली अपन ने। लूप वेरिएबल्स एंटर रोज अभी अपन मान रहे हैं 4 ही एंटर होंगी, तो फिर 4 तक चलेंगे अपना। उसके लिए अपन सबसे पहले हमेशा ब्लैंक प्रिंट होएगा, तो उसके लिए सी के लिए कर्जर के लिए अपन लूप लिखते हैं। जे बराबर 4 तक चलता रहेगा। अब अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ कंडीशन लगाते हैं। इफ आई जे लेस देन आई माइनस वन का मतलब है आई की वैल्यू 1 - 1 0, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 - जे लेस देन इक्वल टू 5 की वैल्यू 1 - 1 0, तो प्रिंट एफ ब्लैंक स्पेस। तो फर्स्ट लाइन के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब अपन को करना है स्टार को प्रिंट, यानी जितना है उतना स्टार को प्रिंट करना है। तो स्टार प्रिंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो इसमें जाएंगे इसकी प्रिंट एफ स्टार। अब इसको बिल्ड ने रन करते हैं, ठीक है। बिल्ड दोबारा करते हैं, फिर रन करता देखो आप। यानी अपन का लूप 4 बार चलेगा। अगर जे की वैल्यू आई माइनस 1 से कम या बराबर है वो तो ब्लैंक स्पेस हो जाएगा। यानी थर्ड लाइन में आई की वैल्यू थर्ड है 3 - 1 2, जे होगा 1 2, तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 - 3, तो जे की वैल्यू 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा इस तरह। नहीं तो अपन क्या करेंगे, लूप 4 बार चलेगा, एल्स में अपन स्टार प्रिंट कर देंगे। थैंक्स।